आपके YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज के इस स्पेशल एपिसोड में आप देखेंगे किस तरीके से योजनाओं को बेचा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि महुआ पंचायत के अंतर्गत कुछ ऐसा मामला प्रकाश में आया है जहां ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास के नाम पर लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं। देखिए क्या समस्या है आपकी। समस्या हमने ये है, कॉलोनी हमने ना हो, शौचालय ना हो। और जो कॉलोनी 10,000 पैसा मांगे कि बोल 10,000 तभी दे दबो, कोनो फार्म भरवे लगे तब बोलता है बोल पहले 500 रुपया धारिये तब देंगे, तब साइन कर दो। तो आप लोग पैसा दिए हैं क्या किसी को? हां 2000 रुपया सना में हमने सूद पर से उठा 10 रुपया पर, और 2000 रुपया दे लो फिर अभी कोई सुनवाई ना हो। अभी तक कॉलोनी ने कुछ नहीं दिया। अच्छा तो 2000 रुपया किसको दिए हैं आप? मुखिया है, कोई भी काम करे जाए या पूछे जाए पहले पैसा बात बोले। बोलते नहीं है मुखिया भी वही। आपसे भी पैसा लिया गया? पैसा किन से किन से लिया गया? किन से किन से पैसा लिया बताइए? आपसे पैसा लिया गया? कितना पैसा दिए थे आप? अच्छा अच्छा, किसको दिए थे? वह गर्म सेवा के। आपसे भी पैसा लिया गया है? हाँ। कितना पैसा दिए थे? 2000। आपसे भी पैसा लिया गया है? हाँ। कितना पैसा लिया गया था? 2000। और गिने से आपसे भी पैसा लिया गया? हमने आपसे 2000 लिया है। आपसे भी 2000 लिया गया है? 2000 सबसे लिया है हमने, गरीब लोग आदमी सबसे 2000 रुपया सबसे ले लिया, पूरा 2000 रुपया करके सबसे ले लिया, बाकी पूरा गांव में लिया है, पूरा गांव में ही ले लिया। कौन लिया है पैसा 2000? मुखिया वार्ड सरपंच ये सब सभी लोग मिल गए। क्या आवास के नाम पे लिया है? नहीं, इंदिरा आवास के कॉलोनी के लिए, कॉलोनी के लिए। हाँ। लिया प्रधानमंत्री आवास को लेकर पैसा लिया आप लोग से? हाँ, सभी पूरे गांव, पूरे गांव में ही ले लिया, मगर कुछ नहीं दिए। कब लिया था पैसा आप लोग? पैसा लिया सावन में। सावन में लिया? हाँ, अगस्त में। ठीक, कब? जी ये धरती शरण जो गांव है वहां से आवास के नाम पर पैसे लेने देने की बात सामने आ रही है, संदर्भ में बताएंगे? हाँ सर, वहाँ जो है जी हमको कह देगा, हम किसी से पैसा नहीं लिए हैं जी। वो महिला हमको सामने बोल दीजिएगा जो मुखिया जी पैसा मांगा है कि पैसा दिया है, हम कहते हैं जिसको नाम है लिस्ट में है उसको सरकार दे रहा है, उसका होगा, उसका होगा। और जो जो कहता है वो सामने आए के बैठे, हम अगर सामने बोल दे जो हम मुखिया जी पैसा मांगा है तो उसको हमको जूता के माला पहन के हम पंचायत में घूरेंगे जी। तो आपने ये जो अभी कार्यक्रम देखा उसमें कहीं ना कहीं पदाधिकारियों को जागने की जरूरत है, चूंकि ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं तो मुखिया जी ने भी अपने पक्ष को रखा है, लेकिन इसमें एक निष्पक्ष पूर्वक जांच होनी चाहिए। और ये जो मामला है वो लगभग हर एक पंचायत का है, ऐसे में ग्रामीणों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जहां कुछ दलाल बिचौलिए पैसे लेने का काम करते हैं। और आपको बता दें कि ऐसे ग्रामीण भी बहुत हैं जो काफ़ी गरीब हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैसे लोग कर्ज में पैसे लेते हैं और उन्हें फिर दोबारा ब्याज के दर पर पैसे चुकाने पड़ते हैं, ऐसे में उनका एक शोषण होता है। भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक ऐसे जहर की तरह है जो धीरे धीरे हमें खोखला करते जाती है, ऐसे में ऐसे चीज़ों पर ऐसे लोगों पर लगाम लगाने की ज़रूरत है ताकि भ्रष्टाचार का जो बढ़ावा मिल रहा है उस पर लगाम लग सके। बने रहिए समाधान के YouTube चैनल के साथ, मैं आपको हमेशा विभिन्न मुद्दों पर जानकारियाँ और अपडेट देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।